रायगढ़ जिले के सरिया और बरमकेला ब्लॉक में हर साल सूखे से प्रभावित होता है। इन दोनों ब्लॉक्स में हर साल गर्मी के दिनों में वाटर लेवल 60 मीटर तक नीचे चला जाता है। ऐसे में क्षेत्र के लगभग 102 गांव में बोरवेल सूख जाते हैं और पानी पहुंचाने के लिए टैंकरों का सहारा लेना पड़ता है। दोनों ब्लॉक्स में लंबे समय से पेयजल की समुचित व्यवस्था करने की मांग चली आ रही है। ऐसे में पीएचई ने महानदी के सतही जल को पाइपलाइन के जरिए गांव तक पहुंचाने की योजना बनाई है, जिसके तहत साराडी बैराज, कलमा बैराज और महानदी के किनारे वाटर फिल्टर प्लांट लगाए जाएंगे। प्लांट से पाइपलाइन के जरिए सीधे जलापूर्ति गांवों तक की जाएगी। इसमें लगभग 150 किलोमीटर की पाइपलाइन बिछाई जाएगी। योजना में 1117 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जिसे केंद्र और राज्य सरकार ने मंजूरी दे दी है। योजना को दिसंबर 2023 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। पानी का समस्या तो बहुत ज़्यादा विकराल रूप ले लिया है। गर्मी बहुत ज़्यादा है, पानी का जल स्तर बहुत नीचे चला गया है, हैंडपम्प काम करना बंद कर दिए हैं, फिर भी शासन ध्यान नहीं दे रहा है पानी के लिए। गांव वाले भटक रहे हैं, पानी के जो समस्या का निदान अभी करना चाहते हैं, उसको समय रहते कर लेना था। गवर्नमेंट की योजना थी, बीजेपी सरकार के समय बनाई गई थी, महानदी से पानी बरमकेला आने का, जिसका फिल्टर प्लांट भी बन गया है बरमकेला में, एवं वहाँ भी मकान बन चुका है बरगांव में। केवल पाइपलाइन आधा बिछा है, जिसके कारण पानी यहाँ तक आने में आ नहीं पा रहा है, जिससे यहाँ के ग्रामीणों को भारी तकलीफ हो रहा है। और हम शासन से उम्मीद करते हैं कि जितना जल्दी हो सके इसको पूरा करते। मध्य प्रदेश के बीना ब्लॉक के ग्राम पंचायत देहरी में स्थित आदिवासी बस्ती, जहां की आबादी लगभग 300 है, ये गर्मी का मौसम आते ही पेयजल समस्या से जूझने लगती है। इलाके में अब तक नल जल योजना का लाभ नहीं मिल पाया है। ग्रामीण जिस कुएं का पानी पेयजल के रूप में इस्तेमाल करते हैं, वो भी सूख चुका है। पूरे गाँव को सिर्फ एक हैंडपम्प का सहारा है और कई बार शिकायत की गई, उसके बावजूद जिम्मेदार अधिकारी कोई सुध लेने को तैयार नहीं है। जैसे ही गर्मी बढ़ती है, कई बार इस एक हैंडपंप जिससे पूरा गांव और 300 लोगों की आबादी इस पर निर्भर है, वो भी कई बार सूख जाता है। और ऐसे में आप अंदाजा लगाइए किस तरह की दिक्कतों का सामना इन गांव के लोगों को करना पड़ता होगा। पानी तो ऐसे ही समस्या है, अगर तो जो नल चल रहा वो पूरी बढ़ती नहीं पड़ रही, फिर का हो गया सब रही माने आ जाओ, फिर पानी की समस्या गड़बड़ा हो गया, फिर उतरन क्रॉस करके जाना पड़ रहा है पानी को। पानी की व्यवस्था हो जाए तो और अच्छी है। दो तीन साल हो गई, जब तीसरी साल आए आई नहीं रहा पानी।